यूपी की योगी सरकार ऐसा अध्यादेश लाने जा रही है जिसके लागू हो जाने के बाद खाने में थूकने वाले, जूस में यूरिन और गंदगी मिलाने वालों के होश ठिकाने आ जाएंगे। अब तक पुलिस गिरफ्तार कर मामूली सजा देकर छोड़ देती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि हम उत्तर प्रदेश के सभी लोगों को क्वालिटी फूड उपलब्ध कराएं। विभिन्न प्रकार से उसको दूषित करने का प्रयास किया जा रहा था या लोग कर रहे थे, ऐसा कई वीडियोज में हम लोगों ने देखा है। अध्यादेश में खाने में थूक मिलाकर खिलाने वालों के लिए सजा के लिए कड़े प्रावधान किए जा सकते हैं। हर शख्स को अपने खाने के बारे में पूरी जानकारी लेने का अधिकार होगा। खाना कहाँ बन रहा है और कौन बना रहा है या फिर खाना कैसा है, इसके बारे में पूरी जानकारी देनी होगी। अपने खान पान के बारे में सारी जानकारी जानने का अधिकार सभी ग्राहकों को होगा, और जो जानकारी देने से मना करेगा उसके खिलाफ एक्शन हो सकता है। उत्तर प्रदेश के निवासियों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने का, मानव अपशिष्ट मिलाकर खाद्य पदार्थ बेचने का, जो भी गुनहगार जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कानून करेगी। अध्यादेश लाने के लिए सीएम योगी, एसीएस सोम, दीपक कुमार, गृह विभाग के विधि अधिकारी, प्रमुख सचिव खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, डीजीपी, उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे, और फिर छद्म एवं सौहार्द विरोधी क्रियाकलाप निवारण एवं थूकना प्रतिषेध अध्यादेश 2024 और यूपी प्रिवेंशन ऑफ कॉन्टेमिनेशन इन फूड अध्यादेश 2024 लाकर खाने में मिलावट करने वालों पर नकेल डालने का काम करेंगे। कानून आए, अच्छी बात है, उसका स्वागत है, कि साफ सफाई और मिलावट के खिलाफ तो प्रतिबंध होना चाहिए। इस तरीके के मिलावटखोरों के प्रति कोई नर्मता नहीं बरती जाए, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। उनके लिए सख्त कानून होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे देश के लिए गलत हो रहा है। योगी सरकार जो लेके आ रही है, बहुत अच्छे कानून लेके आ रही है। इस अध्यादेश के लागू होने पर होटल ढाबों में सीसीटीवी, काम करने वालों का पुलिस सत्यापन, शेफ और वेटर के लिए मास्क लगाना जरूरी हो सकता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।